क्या समस्या है बाबा? समस्या तो ये है कि मेरा गैस गोदाम से गैस नहीं निकल रहा है बाबा। और यदि बैंगन का सेवन किए हुए व्यक्ति की 27 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई तो उसे नरक में जाना पड़ता है। यदि अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। मोदी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप सबको काजू पिस्ता बादाम खिला रहे थे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग बैंगन खाते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो आप जो है ना, आप लोग खाना छोड़ दीजिए। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब, आप खुद ही देख लीजिए, बैंगन का जो सेवन करता है तो पद्म पुराण के अनुसार यदि बैंगन का सेवन किए हुए व्यक्ति की 27 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई तो उसे नरक में जाना पड़ता है। यदि आपने बैंगन आज पाया है और आज से 27 दिनों के अंदर किसी दिन भी मृत्यु है गई तो नरक का वो भागीदार बनता है। इसलिए बैंगन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। भाई साहब सुन लिया ना, अगर कोई बैंगन का सेवन कर रहा है 27 दिन में अगर उसकी मृत्यु हो गई, मतलब इस दुनिया छोड़ के चला गया, तो वो जो है ना भाई साहब नरक में जाएगा। नरक में जाना पड़ता है। पहले तो लहसुन प्याज पे बैंड था। लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस में प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती? बहुत धीरे धीरे आलू टमाटर सब पर बैंड हो जाएगा भाई साहब। तो आप लोग सोचते होंगे लोग क्या खाएगा। बात तो सही है। तो भाई साहब, जो लोग खाता था वो तो खाएबे करेंगे, अनभक्त क्या खाएगा? तो भाई साहब, अनभक्त के लिए ये सब बैंड हो जाएगा। तो अनभक्त जो है ना, गोबर खाता था वो खाएगा। हमेशा गाय का गोबर लेती थी, ये देखिए एक चम्मच गोबर। अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो भाई साहब, अगर कोई एक चम्मच गोबर खा लेता है ना, तो उसकी जो है ना सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। बात कर रहे हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम ऐसी बात काहे कर रहे हैं। तो भाई साहब, इसी आंटी को देख लीजिए। कृषि कहते हैं सिलेंडर 450 का था, 1100 का। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। 1000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन चाहिए। भाई साहब, ये आंटी कह रही है कि 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए पेट्रोल ले लेंगे। तो अब आप ही बताइए, इस आंटी को देखने के बाद आपके दिल से तो यही निकल रहा होगा, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर। आप ही बताइए भाई साहब कि ये आंटी को सिलेंडर से क्या लेना देना है? अरे कहना क्या चाहते हो? हम कहना यही चाहते हैं कि अनभक्त को सिलेंडर से क्या लेना देना है? वो तो गोबर खाते हैं, क्योंकि वो खाना तो खाएंगे नहीं। कुछ देर पहले ही ना ये आंटी जो है बोली है कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। किसी किसान के पास आप चले जाइए तो वह सिर्फ एक ही बात करता है कि किसको वोट देना है, तो वह सीधे कहता है कि मुझको नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है और किसी को वोट नहीं। कौन कह रहा माखी? अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। नहीं देंगे, तलाक दे दे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। तो भाई साहब, लगे हाथ ये आंटी को भी देख लेते हैं, जब किसी को अनभक्ति वाला भूत पकड़ लेता है तो देखिए हालत कैसा हो जाती। नहीं, हमें राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा? नहीं, क्योंकि हमें भरोसा है तो बस सिर्फ मोदी 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 मोदी। अच्छा आंटी, एक बात बताइए कि गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, आटा का दाम, सब का दाम मोदी जी बढ़ा दिए हैं, फिर भी आखिरकार आपको मोदी जी पे इतना क्यों भरोसा है? चाहे आटा 2000 रुपए किलो हो जाए पर चाहिए मोदी। आप तो कुछ कहिए नहीं सकते भाई साहब। मगर क्यों? काहे कि ये भी जो है ना भाई साहब, एक एक चम्मच के ग्रुप में से निकल के आगे यहाँ पर बकवास कर रही है। ये देखिए एक चम्मच गोबर। वो एक चम्मच वाली आंटी, आप जो उस टाइम से इतना ज्ञान दे रहे थे और मोदी जी की तारीफ कर रहे थे कि मोदी जी कितना भी कुछ महंगा कर देगा पर लाएंगे तब मोदी जी को, तो जरा एक नजर इधर भी डाल लीजिए। मेरा भाजपा से एक सवाल है, वैसे ये बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? महादेव के दर पे आपने चोरी कैसे करी, आप ये बताइए। और आप रोजगार की बात करते हैं और सरकारी नौकरी जिनकी है आप अग्निवीर को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? आप झूठा रोजगार क्यों? तो भाई साहब, इस सबसे जो है ना अनभक्त को कुछ लेना देना नहीं है,
चाहे कुछ भी हो जाए, पर चाहिए तो उसको सिर्फ चाहिए मोदी 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 मोदी। घर में दूध नहीं है, बच्चा भूख से बैठा है। मोदी मोदी। लखपति दीदी बना रहे हैं, महिलाओं को लाखों रुपया दिया जाएगा, ये योजना का आपने फायदा उठाना। ये तो वही लग रही है भाई साहब, 2014 वाली लग रही है। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अरे पहचान लिया भाई साहब, इतना अंगना है, ओ सॉरी कंगना रनावत। हाँ तो क्या बोल रहे थे, जरा एक बार बोलिएगा सही से। लखपति दीदी बना रहे हैं, महिलाओं को लाखों रुपया दिया जाएगा, ये योजना का आपने फायदा उठाना। ये फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब कांग्रेस की सरकार की टांग इसमें नहीं आएगी। अच्छा तो भाई साहब, ये जो है ना लेडीज को जो है ना लाखों लाख रुपया देंगे, मोदी जी 15-20 लाख का जुमला दे के चल दी। 15-20 लाख रुपया। अब मोदी जी की प्रवक्ता जो है ना आगे ज्ञान दे रही है कि हम लाखों लाख देंगे महिलाओं को, महिलाओं को लाखों रुपया दिया जाएगा। एक बात बताइए कि आप महिलाओं को लाखों लाख रुपया दीजिएगा तो हम लड़का लोग आपको के लिए वोट देने जाए। कंगना जी आपको तो आजादी 2014 में मिली, और जो आजादी मिली है 2014 में मिली है, तो आप लोग जो है ना आपको वोट भी जो है ना 2014 में ही देंगे। अच्छा। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। मोदी जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं, जितना भी गरीब आदमी है ना सबको आप काजू पिस्ता बादाम खिला रहे थे और साथ में अखरोट भी। भाई साहब रही बात बीजेपी की, तो उससे इंसान तो इंसान जानवर भी परेशान है भाई साहब, आप खुद ही देख लीजिए। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जैसे मोदी जी तीन बार तीसरी बार फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनकर, तो पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब राजनाथ सिंह जी उनके गृह मंत्री थे, दूसरी बार बने तो अमित भाई, अब तीसरी बार फिर बनेंगे, देखो कोई कौन गृह मंत्री बनता है। देख रहे भाई साहब अभी सही से वोटिंग खत्म भी नहीं हुआ है, तो अभी यही कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ना तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे आप लोग इतने ही ज्ञानी बाबा हैं, आप हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री होगा, और भी बहुत सारे बाबा हैं जो कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चलिए कुछ पल के लिए हम आपका बात मान लेते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो मोदी जी को आप बोल दीजिए कि आप इतना मेहनत काहे के लिए करते हैं, लोगों के पास काहे के लिए आते हैं वोट मांगने के लिए। आप लोग हैं ना, आप लोग तो किधर भी कितना भी वोट दिला सकते हैं ना अपने मन से, काहे कि आप लोग तो है ज्ञानी, तो काहे के लिए मोदी जी का पैसा वेस्ट करवा रहे हैं। बात तो सही है भाई साहब, इसका जो है ना वीडियो हम सेव कर लिए हैं, देखते हैं कौन जीतता है, फिर हम इसका वीडियो जो है ना निकाल के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन उनको सब दबा दीजिएगा भाई साहब। आगे क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, देखते रहा, बाय बाय।